व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आपका क्रिकेट टॉक शो की एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस ये वाली वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं दो T20 की बेस्ट टीम बनाऊंगा। एक टीम में फ्रेंड्स मैं T20 के सुपरस्टार्स रखूंगा, चाहे वो रिटायर हो चुके हैं, रिसेंटली ही रिटायर हुए हैं, लेकिन T20 में बहुत बड़ा नाम है, उन प्लेयर्स का सुपरस्टार्स हैं वो। मैं उन प्लेयरों को एक टीम में रखूंगा और फ्रेंड्स दूसरी टीम में भी जो प्लेयर होंगे उनका भी नाम काफी बड़ा होगा, लेकिन उन प्लेयरों को काफी अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लाइक अगर हम IPL की बात कर ले, उन प्लेयरों पर बड़ी बोली नहीं लगती, उन्हें ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता, उन्हें कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं मानता, सुपरस्टार का दर्जा उनके पास नहीं है। लेकिन वो प्लेयर भी काफी जबरदस्त है, अंडररेटेड प्लेयर्स होंगे वो। एक तरफ होंगे सुपरस्टार्स तो दूसरी तरफ होंगे अंडररेटेड प्लेयर्स। तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, जैसे कि क्रिस गेल का नाम बहुत बड़ा है, T20 का सुपरस्टार हम मानते हैं क्रिस गेल को, लेकिन दूसरी तरफ ही अगर हम देखें क्रिस लिन की मैं बात कर लूँ, बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन उनको ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम में ज्यादा मौके नहीं मिलते, IPL में उन्हें नहीं खिलाया गया, तो काफी अंडर एस्टिमेट किया गया है उन्हें, अंडररेटेड प्लेयर की लिस्ट में वो होंगे। तो कुछ इस तरह से टीम बनेगी फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि जो ऐसी और इंटरेस्टिंग आने वाली वीडियोज हैं वो मैं आप तक जल्द से जल्द लेकर आ सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले बनाते हैं सुपरस्टार्स की टीम। सुपरस्टार्स की टीम में फ्रेंड्स ओपनिंग पर डेफिनेटली रहेंगे क्रिस गेल। ये टीम तो ऐसी बनेगी कि आपको पता ही है कैसी बनेगी, दूसरी टीम काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्रिस गेल का फ्रेंड्स साथ देंगे रोज सुपर हिट मैन शर्मा। नंबर 3 पर फ्रेंड्स मैंने रखा है विराट कोहली, किंग कोहली द रन मशीन कोहली वहां पर रहेंगे। नंबर 4 पर फ्रेंड्स नो डाउट 360 बैट्समैन AB डिविलियर्स वहां पर रहेंगे। नंबर 5 पर फ्रेंड्स मैंने रखा है द बिग शो, इन्हें भी बिग शो के नाम से बुलाया जाता है, T20 में काफी बड़ा रुतबा है ग्लेन सिंह मैक्सवेल का। नंबर 6 पर फ्रेंड्स मैंने रखा है महेंद्र सिंह धोनी को, जो कि इस टीम की कैप्टनसी और विकेट कीपिंग भी करेंगे, हालांकि ये रिटायर भी कर चुके हैं लेकिन अभी भी IPL खेल रहे हैं और आगे भी IPL खेलेंगे, तो इसीलिए मेरी इस टीम का हिस्सा है MS धोनी। नंबर 7 पर फ्रेंड्स द मॉन्स्टर आंद्रेयास हल को मैंने रखा है, यहाँ पर काइरन पोलार्ड और बेन स्टोक्स भी हो सकते थे लेकिन द मॉन्स्टर विल बी देयर। नंबर 8 पर मैंने रखा है राशिद करामाती खान को, जो कि इस टीम के मेन स्पिनर होंगे। नंबर 9 पर होंगे फ्रेंड्स जोफ्रा आर्चर द बाउंसर किंग विल बी देयर। नंबर 10 पर फ्रेंड्स द यॉर्कर किंग मिचेल स्टार्क विल बी देयर। और नंबर 11 पर इस टीम का हिस्सा होंगे बूम बूम जसप्रीत बुमराह। तो फ्रेंड्स ये टीम तो डेफिनेटली खतरनाक बननी ही थी। अब फ्रेंड्स जो अंडररेटेड प्लेयर्स की टीम है वो ऑन द पेपर चाहे ही वीक लगे, टीम इस टीम से डेफिनेटली वीक लगेगी, क्योंकि इस टीम में बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, क्रिस गेल, कोहली, शर्मा, डिविलियर्स, धोनी, रसल, आर्चर, स्टार्क, बुमराह, राशिद खान, बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। ऑन द पेपर तो अंडररेटेड की टीम शायद थोड़ी वीक लगे, लेकिन अगर ऐसा कोई मैच होगा तो मैं ये लिख कर देने को तैयार हूँ कि अंडररेटेड की टीम भी वो वाला मैच जीत सकती है। और फ्रेंड्स टाइम वेस्ट ना करते हुए बनाते हैं अंडररेटेड प्लेयर्स की टीम। ओपनिंग पर आएंगे फ्रेंड्स क्रिस लिन, इनको काफी अंडररेटेड किया जाता है, काफी अंडर एस्टिमेट किया जाता है क्रिस लिन को। अभी जो लास्ट IPL हुआ मुंबई इंडियंस ने एक भी मौका नहीं दिया क्रिस लिन को, और ऑस्ट्रेलिया की T20 साइड में भी ये अपनी जो परमानेंट स्थान है वो हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन बिग बैश लीग में अच्छा खेलते हैं, IPL में जब भी मौका मिलता है अच्छा खेलते हैं, तो काफी अंडररेट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम में। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली होना चाहिए क्रिस लिन को। इनका साथ देंगे फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक, जो कि हमें इस टीम की विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आएंगे, बहुत बढ़िया ये प्लेयर हैं, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन ज्यादा कोई इनके बारे में बात नहीं करता। अभी जो IPL हुआ उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन इनका रहा, लेकिन फिर भी बड़े प्लेयरों में इनका नाम नहीं लिया जाता। अगर कोई अच्छा विकेट कीपर हम बोलते हैं कौन है, तो धोनी के बाद बोलते हैं सभी लोग कि जॉस द बॉस वहां पर रहेंगे, जॉस बटलर को बोलते हैं, जॉनी बेस्टो का नाम आ जाता है, लेकिन क्विंटन डिकॉक के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करता, पर ये प्लेयर काफी जबरदस्त है। नंबर 3 पर फ्रेंड्स मैंने रखा है केन विलियमसन को, जो कि हमें इस टीम की कैप्टनसी भी करते हुए नजर आएंगे, नाम काफी बड़ा है केन विलियमसन का, लेकिन अंडर एस्टिमेट किया जाता है इन्हें T20 की अगर मैं बात करूं,
सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन थे पहले, लेकिन बाद में उनको कैप्टनसी से हटाया गया, डेविड वार्नर को कैप्टन बनाया गया और केन विलियमसन को तो लगातार मैचेस भी नहीं खेलने को मिल रहे हैं, तो इसलिए मेरी टीम का हिस्सा होंगे केन विलियमसन। नंबर चार पर फ्रंट मैन रखा है पाकिस्तान के उभरते हुए सितारे बाबर आजम को। T20 में, ODI में, टेस्ट मैच में बहुत बड़ा नाम है बाबर आजम का, लेकिन अभी जो ICC ने जो लिस्ट जारी की थी प्लेयर ऑफ द डिकेड, उसमें बाबर आजम को किसी भी सूची में नहीं रखकर इनको अंडर एस्टिमेट किया गया। हालांकि मुझे लगता है कि T20 लिस्ट में तो डेफिनेटली बाबर आजम को वहां पर होना चाहिए था। नंबर पांच पर फ्रंट मैन रखा है निकोलस पूरन को, जो कि हमें इस टीम की विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आएंगे। ये भी काफ़ी अंडररेटेड प्लेयर है। शमन हटमायर और निकोलस पूरन कौन सबसे बेहतर है, मैंने एक पोल डाला था तो आप लोगों ने सभी लोगों ने ऑलमोस्ट वोट किया कि निकोलस पूरन ज़्यादा बढ़िया है। तो भाई फिर IPL में निकोलस पूरन को इतने कम पैसे क्यों मिलते हैं? शमन हटमायर चले ना चले करोड़ों की बोली लगती है हटमायर के ऊपर, 7-8 करोड़ तक आराम से हटमायर को मिल जाते हैं, लेकिन 3-4 करोड़ रुपये मिले थे निकोलस पूरन को, अभी शायद उसी में ही वो कंटिन्यू कर रहे हैं किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से। नंबर 6 पर फ्रेंड्स मैंने रखा है बांग्लादेश के शकीब उल हसन को। बहुत बड़े तगड़े ये ऑलराउंडर हैं, लेकिन इनका नाम बड़े ऑलराउंडर्स की सूची में ज़्यादा आता नहीं है। नंबर 7 पर फ्रेंड्स मैंने रखा है मोहम्मद नबी को, जो कि अफगानिस्तान से आते हैं और इनको भी काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लाइक IPL में तो इन्हें खेलने का मौका ही नहीं मिलता, इनकी जगह ही नहीं बनती टीम में, लेकिन प्लेयर के ज़बरदस्त हैं, अभी दर्शा रहे हैं बिग बैश लीग में जिस तरह की परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं। नंबर 8 पर फ्रेंड्स वहाँ पर खेलेंगे सर रविंदर जडेजा, जो कि बैटिंग भी कर सकते हैं और फील्डिंग ज़बरदस्त करते हैं, बॉलिंग भी ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन फिर भी जो संजय मांजरेकर हैं उन्होंने काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया था सर जडेजा को। उन्होंने बोला था कि मुझे ये कंप्लीट प्लेयर नहीं लगता, तो उसके बाद इन्होंने थोड़ी अपनी बैटिंग में जो है वो सुधार लाया, लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर है वैसा रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर नहीं है, तो इसीलिए अंडररेटेड प्लेयर की लिस्ट में होंगे रविंद्र जडेजा। नंबर 9 पर फ्रेंड्स वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर वहां पर रहेंगे और नंबर 10 पर मैंने रखा है फ्रेंड्स भुवनेश्वर कुमार को। अगर हम इंडिया टीम की बात कर लें तो सभी बात करते हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में, मोहम्मद शमी के बारे में, दीपक चाहर के बारे में भी बात हो जाती है T20 की बात करूँ तो, लेकिन भुवनेश्वर कुमार एक बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर हैं, स्विंग काफ़ी इनकी बॉलिंग में, शुरुआत ओवरों में आपको विकेट निकाल कर देते हैं, डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करते हैं, वेरिएशन काफ़ी है इनकी बॉलिंग में, पर ज़्यादा की बात इनके बारे में करता नहीं है। पर मुझे लगता है कि बुमराह के बाद इंडिया टीम में कोई बेस्ट बॉलर है तो वो है भुवनेश्वर कुमार। और नंबर 11 पर फ्रेंड्स मैंने रखा है ट्रेंट बोल्ट को। ट्रेंट बोल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर हैं, जैसे कि जोफ्रा आर्चर, मिशेल स्टार्क, बुमराह, रबाडा, उस सूची में इनका नाम आना चाहिए लेकिन आता नहीं है, तो इसीलिए अंडररेटेड प्लेयर की टीम में नंबर 11 पर खेलेंगे ट्रेंट बोल्ट। तो फ्रेंड्स दोनों ही टीमें कुछ ऐसी दिख रही हैं। सुपरस्टार्स की टीम की बात करूँ तो गेल, शर्मा, कोहली, डिविलियर्स, मैक्सवेल, धोनी, रसल, राशिद खान, जोफ्रा आर्चर, मिशेल स्टार्क, बुमराह। अंडररेटेड टीम की बात करूँ तो क्रिस लिन, डिकॉक, विलियमसन, बाबर आजम, निकोलस पूरन, शकीब उल हसन, मोहम्मद नबी, रविंद्र जडेजा, जेसन होल्डर, भुवनेश्वर कुमार, ट्रेंट बोल्ट। इस टीम की फ्रेंड्स बैटिंग देखिए, भुवनेश्वर कुमार तक जाती है, नंबर 10 तक बैटिंग जाती है इनकी, होल्डर बैटिंग कर सकती है, और बॉलिंग देखिए फ्रेंड्स, बॉलिंग बोल्ट करेंगे भुवनेश्वर कुमार, जेसन होल्डर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद नबी, शकीब उल हसन, तीन मेन फास्ट बॉलर हो गए इनके पास, जेसन होल्डर, भुवनेश्वर कुमार, ट्रेंट बोल्ट, तीन स्पिनर हो गए शकीब उल हसन, मोहम्मद नबी, रविंद्र जडेजा। और बैटिंग अगर आक्रामक बैटिंग करने की बात है तो क्विंटन डिकॉक, क्रिस लिन, निकोलस पूरन वो करेंगे, अगर टिक्कर खेलना होगा तो बाबर आजम, विलियमसन, शकीब उल हसन है, तो काफ़ी बैलेंस टीम है ये। ऑन द पेपर तो डेफिनेटली वीक लग रही है, नो डाउट सुपरस्टार्स की टीम में बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं तो वो टीम ऑन द पेपर स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन अगर कोई ऐसा मैच हुआ तो अंडररेटेड की टीम जो है, अंडर एस्टिमेट प्लेयर की जो टीम है वो डेफिनेटली उनको टक्कर दे पाएगी, उनको हरा भी सकती है। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, आपको ये नहीं बताना है कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है, आपको इस वीडियो में ये मैसेज करना है कि अगर ऐसा कोई मैच हुआ तो क्या अंडररेटेड प्लेयर की जो टीम है वो सुपरस्टार्स को हरा पाएगी कि नहीं हरा पाएगी। और फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को अपना वह मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।